हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लेट्स डू इट टुगेदर विथ आशीष। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको टैली इन मोबाइल ऐप जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर इनवॉइस के बारे में। दोस्तों, इस ऐप को बिजनेस ऐप भी कहा जाता है। इससे फ्रेंड्स आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं फ़ोन में, प्लस दोस्तों आप कस्टमर को इनवॉइस भेज सकते हैं मोबाइल से मेल के थ्रू। क्या टिप्स है, कैसे यूज़ करें, आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूं। और दोस्तों, इस ऐप में काफ़ी अच्छा फंक्शन है जो कि मैं आज की वीडियो में डिस्क्लोज करने वाला हूं। अब दोस्तों इसके रिव्यू की बात कर ले तो रिव्यू देख सकते हैं दोस्तों। इस टाइप से इनवॉइस है जो कि A4 साइज़ में आप जनरेट कर सकते हो। और टैली बिल मोबाइल से, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मोबाइल से आप टैली का बिल जनरेट कर पा रहे हो। स्टेप से आप प्रोडक्ट ओवरव्यू इन सेकंड्स, एंगेज विथ योर कस्टमर, तो अपने बिल भी कस्टमर के साथ भेज सकते हो। ओके फ्रेंड, 100,000 से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया, मतलब 1,00,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है। ओके फ्रेंड, मेरा नेम है आशीष और आप देख रहे हैं लेट्स डू इट टुगेदर विथ आशीष। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसे डाउनलोड किया है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इसे दोस्तों बिजनेस ऐप भी कहते हैं। ओके, मैनेज योर बिजनेस फ्रॉम योर फ़ोन। दोस्तों आज की में बहुत बड़ी बात है कि आप फ़ोन से ही अपने बिजनेस को चला रहे हो। तो देख सकते हैं, यूज़र ट्रस्ट यूज़ बाय मोर देन 2 लाख पीपल, तो 2 लाख से भी ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों ऑटोमेटिक बैकअप डेटा सिक्योरिटी, ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि इसमें ऑटोमेटिक डेटा मिल जाता है बैकअप के लिए। अभी दोस्तों नीचे देख पा रहे होंगे क्या लिखा, व्हाट ऐप कवर्स सेल परचेज कोटेशन स्टॉक इन्वेंट्री जीएसटी टैक्स ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, तो दोस्तों सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट पे कर देना है, मैं नीचे देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर लिखा सेलेक्ट योर स्टेट, तो स्टेट की बात करें दोस्तों अपने, हम मैं दिल्ली में से हैं तो दिल्ली ले लेते हैं या न्यू दिल्ली, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, कस्टमर नेम डालना है, जैसे कस्टमर, जैसे बिजनेस, जैसे जो भी आपका नाम है, जैसे बिजनेस नेम है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे लेट्स डू इट डाल देता हूँ, ठीक है। चैनल का नाम डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है आपको, जिसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करना, प्लस यहाँ पर लिखा है रिस्टोर डेटा फ्रॉम बैकअप फाइल, तो अभी तो कभी मैंने यूज़ नहीं किया, तो ऊपर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आएगा बिल सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कोटेशन भेज रहे हैं। तो दोस्तों मैं सपोज करता हूँ मैं सामान किसी को बेच रहा हूँ, तो मैं जनरेट बिल पे कर देता हूँ सेल पे, जैसे ऑलरेडी क्लिक है, सेल पे क्लिक है और यहाँ पर कंपनी का नाम आ गया है लेट्स डू इट टुगेदर विथ आशीष। ओके फ्रेंड्स, एक बार कंपनी का नाम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा लगता है, लेट्स डू इट टुगेदर लिख रहने देते हैं। ईमेल आईडी अपन डाल सकते हैं अगर आपको डालना चाहे तो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं अपनी कंपनी का, या ऐसे आपको डाल के समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल के सेव कर सकते हो, और एड्रेस भी डाल के, एड्रेस भी डाल के यहाँ पर सेव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ CP211 ऑफिस नंबर, ओके पिन कोड डाल देता हूँ, ओके एरिया टैक्स कोड नहीं है यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी दोस्तों ये सारी चीज़ें होगी। अब जो मैंने कहा किसको भेजना है, जिसको भेजना है उसका पार्टी नेम डाल, जैसे मैं डाल देता हूँ राहुल एंटरप्राइजेस। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने डाल दिया कंपनी का नाम, कस्टमर या सप्लायर है, कस्टमर लिख देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ओके फ्रेंड, ये जैसे राहुल एंटरप्राइज, प्लस यहाँ पे एक और साइन देख रहे होंगे, यहाँ पे सप्लायर का एड्रेस डालना तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। राहुल का बिल डाल दिया मैंने। CGST IGST क्या लग रहा है, CGST SGST लग रहा है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ मैं 5 टेलीविज़न डाल देता हूँ, 5 LG TV डाल देता हूँ, LG TV, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देखो LG TV, बाइंग प्राइस डाल देते हैं 10,000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस डाल देते हैं, बाइंग प्राइस नहीं भी डालो तो चलेगा, सेलिंग प्राइस डाल देते हम 15,000 रुपये, ठीक है। MRP 14,000 रुपये, MRP नहीं भी डालोगे तो चलेगा। मैक्सिमम वर्ड्स, नंबर ऑफ स्टॉक ये रहने दीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट कोड, अगर HSN कोड है तो वो भी डाल सकते हो, टैक्स कितने परसेंट लगाना है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 15,000 रुपये आपको लगाना है टैक्स, CGST SGST, तो यहाँ पर अपना टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, टैक्स में लगा देते हैं यहाँ पे,
जिसकी टोटल डालते, जैसे मैं डाल देता हूँ 10,000 है तो उस पर डाल देता हूँ 10%, 1,000 रुपये। ओके फ्रेंड, स्टेप्स देख सकते हैं, CGST। ठीक है फ्रेंड, CGST लग जाता है 1,000 रुपये। सेव कर देना है आपको, यहाँ पे भी एड प्रोडक्ट कर देना है। बाइंग रेट भी डालना पड़ेगा दोस्तों, तो आप डाल सकते हो जो भी आपके बाइंग रेट होगा। ओके, एंटर यूनिट डाल देना है, यूनिट मतलब क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टॉक 5 डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स आ जाएगा। ऐड न्यू बिल करना चाहते हो वो भी ऐड करके यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दोस्तों यहाँ पे आकर टैक्स इन्वॉइस हो गया, बिल ऑफ सप्लाई, ऐड बैंक डिटेल जैसे डालना आपको, अगर आपको बैंक डिटेल ऐड नहीं है तो इन्वॉइस में बैंक डिटेल भी डाल सकते हो, बैंक का नेम, अकाउंट नेम और IFSC कोड डाल के ऐड कर सकते हो। और ऐड डिलीवरी ऑप्शन, तो आप दोस्तों जैसे डिलीवरी नोट डालना है, मोड ऑफ पेमेंट है सप्लाई, तो ये सारी चीज़ आप देखिए, जैसे आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई करो तो भी आप यहाँ पर जनरेट करके भेज सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर गो पे कर देना आपको, सिलेक्ट कस्टमर, तो यहाँ पे अगर राहुल एंटरप्राइज है और यहाँ पर गो पे क्लिक करते हैं, ऐड आइटम, ऐड आइटम लिखा है तो ऐड आइटम ऐड करके यहाँ पे भेज देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइटम ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो आइटम ऐड हो गया, 15,000 रुपये प्लस यहाँ पर टैक्स लग गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे गो कर देना है आपको। ये PDF पे करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बिल आपका जनरेट हो चुका है, लेट्स डू इट टुगेदर, जो कि आप, मैंने अपने कंपनी का नाम और जिसे भेजा है राहुल एंटरप्राइजेस। एड्रेस डालना चाहिए तो एड्रेस डाल सकते थे, जैसे मैंने बताया आपको, शॉर्टकट में बताया मैंने, और CGST SGST देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों आप सारी चीज़ें लगा के देख सकते हो। अब जैसे मैंने क्वांटिटी ली थी कितनी, 5, तो एक प्राइस का, ठीक है, तो इस हिसाब से देख सकते हो, एक TV की कीमत थी 15,000, तो 75,000 रुपये होती टोटल। ओके, एंड उस पर दोस्तों कितना लगा है टैक्स लगा के देख सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से दोस्तों आप बिल जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ऑटोमेटिक साइन का ऑप्शन होता है, वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, साइन इस टाइम अपना ऑटोमेटिक लगा सकते हो, वो भी उसके लिए दोस्तों आप अपना इसकी वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उस स्टेप से दोस्तों देख सकते हो, मेल भी कर सकते हो यहाँ से, सेंड फाइल, व्हाट्सअप करना व्हाट्सअप कर सकते हो, प्रिंट के लिए करना प्रिंट के लिए जनरेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, एंड आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, कोई डाउट इंक्वायरी हो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड, स्टे होम स्टे सेफ।